यही है कि आप जिस टाइम किसी बेडिंग पे जाते हैं, किसी लिथोलॉजी को अप्रोच करते हैं, तो आप उसके एट्रीब्यूट वगैरह लाजमी स्टडी करते हैं, जिसमें स्ट्राइक आ जाता है, डिप आ जाता है, डिप की डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आप कंपस को यूज करके लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को आइडिया होगा कि डिप और स्ट्राइक होती क्या है और उसको लिया कैसे जाता है, ठीक है। नहीं तो वो जो बुक है दूसरी वाली, जियोलॉजी वाली, जियोलॉजिकल फील्ड टेक्निक्स, उसमें उसके बड़े तफसील से लिखा हुआ है। तो वो बाद में लेटर ऑन अगर आपको नहीं आता तो लेक्चर जिस टाइम एंड होगा तो वो फिर हम उसको देख लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि आप स्ट्राइक लेते हैं। स्ट्राइक क्या होता है? वो एक्सटेंशन ऑफ अ फीचर होता है, ठीक है। प्लैनर फीचर हो गया उसको स्ट्राइक कहते हैं, अगर लीनियर फीचर है तो उसका वो ट्रेंड कहते हैं उसको, ठीक है, या फिर एजूमथ कहते हैं। दोनों एक ही चीजें होती हैं, लेकिन एक लीनियर के लिए और एक प्लैनर फीचर के लिए होता है, ठीक है। तो स्ट्राइक जो होती है वो बेसिकली बता रहा होता है कि नॉर्थ के अकॉर्डिंगली इस जो फीचर पड़ा हुआ है वो किस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो पेन मैंने किधर रख लिया? तो बेसिकली जो स्ट्राइक होती है वो एक्सटेंशन ऑफ द फीचर बता रही होती है, और वो एंगल बता रहा होता है कि अकॉर्डिंग टू नॉर्थ जो है वो कितने एंगल पे पड़ा हुआ है, ताकि लेटर ऑन जिस टाइम आप उस फीचर को प्लॉट करें तो आप उसको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन में ही उसको आप रीप्लॉट करें, ठीक है। स्ट्राइक लेने के प्री रेक्विजिट होते हैं। प्री रेक्विजिट ये होता है कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपको फाइंड आउट करके रिमूव करनी होती है ना। पेन किधर गया यार? ये तो इस गाड़ी का इंटीरियर भी डार्क है। ये पड़ा हुआ मिल गया। तो साथ में ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो जिस टाइम आप स्ट्राइक लेते हैं तो स्ट्राइक बेसिकली होता क्या है कि वो जो आपका फीचर पड़ा हुआ है वो उसको आप विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ जो है कितने एंगल पे पड़ा हुआ है, ठीक है, वो बेसिकली आपको बता रहा होता है कि वो उसकी स्ट्राइक है, ठीक है। तो जिस टाइम आप स्ट्राइक ले रहे होते हैं या डिप ले रहे होते हैं, डिप तो नहीं, डिप की डायरेक्शन जिस टाइम आप ले रहे होते हैं, तो आप मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को जो है वो लाजमी आप उसको पहले रीड आउट करते हैं, फिर उसको रिमूव करते हैं, नहीं तो आपकी जो डेटा है उसमें वो एरर होता है, ठीक है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ये होता है कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ और जो जियोग्राफिक नॉर्थ है, ठीक है, इसके साथ जी लिख देते हैं, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ था आपका जो है इसके साथ एम लिख देते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट इसका कहते हैं कि 11 डिग्री की फ्लक्चुएशन होती है, ठीक है। जितना पोल के करीब जाता है उतना जो है इसमें डिफ्लेक्शन आती जाती है, ठीक है। इसके बारे में आपको शायद आइडिया होगा कि बेसिकली जो आपकी कंपस होती है वो आपको नॉर्थ नहीं शो कर रही होती, ठीक है। आपकी कंपस का नॉर्थ के साथ कोई लेना देना नहीं होता। कंपस को हम यूज करते हैं नॉर्थ के तौर पर, ठीक है, कि हमें वो नॉर्थ दिखाए। कंपस बेसिकली जो आपकी अर्थ होती है इसमें जो मैग्नेटिक आपकी फील्ड लाइंस होती है ना, ठीक है, फ्लक्स लाइन जिनको कहा जाता है, ये इनको फॉलो कर रही होती है, ठीक है। आप यहाँ पे होंगे तो कंपस आपको इस तरह नॉर्थ शो करती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे होगा तो यहाँ पर से बेसिकली वो कहते हैं कि नॉर्थ से जो है मर्ज करती हैं और साउथ में जो है वो दोबारा इंटर हो जाती है। तो जितना आप इसके पोल्स के करीब जाएंगे उतना ये आपको उससे डेविएट का शो बताएगा, ठीक है। तो ये कंपस का जो नॉर्थ होता है ये बेसिकली ये मैग्नेट की तरह हो गया होता है, तो ये जो होता है ये बेसिकली ये जो फ्लक्स लाइंस होती हैं इनको फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को नॉर्मली जो आप टोपो शीट लेके जाते हैं जो GSP वगैरह वालों की, तो उसमें हर एरिया के मुताबिक उन्होंने डिक्लिनेशन लिखी होती है, ठीक है, कि इस एरिया में आप जाएंगे, फॉर एग्जांपल तरबेला वाली साइड पे जाएंगे तो यहाँ 5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे है या किस साइड पे है, ठीक है। तो वो डायरेक्शन प्लस 5 डिग्रीज या फिर जितना न्यूमेरिक है वो दिए होते हैं, वो आपने लाजमी करेक्ट करने होते हैं, ठीक है। वो अगर आपने ब्रंटन को सही तरह से देखा हो तो उस ब्रंटन की जो एक साइड होती है साइड पे वहां पे एक पेच लगा होता है, ठीक है। उस पेच को जिस टाइम आप घुमाएंगे तो उसका जो अंदर डायल होता है, ठीक है, वो डायल जो है वो मूव करता है दिस साइड और दैट साइड, जिस साइड पे उसे घुमाएंगे, तो वो अगर आप प्री करेक्ट कर लेते हैं फील्ड में तो वो आपका जो जितनी रिकॉर्डिंग ले रहे होते हैं उसको आप जो है एग्जैक्ट वैल्यूज में ले रहे होते हैं, ठीक है, वरना उसमें मैग्नेटिक एरर होगा। नहीं तो फिर इसका सेकेंड तरीका ये है कि आप रिकॉर्डिंग लेके आ जाएं, वापस आके आप उस एरिया का जो है ये अब तो गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ऑफ दैट एरिया अपने एरिया के कोऑर्डिनेट्स डालेंगे तो वो उसमें आपको शो कर देगा,
ठीक है, तो वो फिर आप पूरे डेटा में से आप सब्ट्रैक्ट या ऐड कर दें तो वो आपके जो डेटा को जो है उसकी करेक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ये होगी स्ट्राइक की बात। स्ट्राइक बेसिकली यही बता रहा होता है कि लेटर ऑन जिस टाइम आप उस फीचर को प्लॉट करेंगे कि यार ये इस पॉइंट पे ये फलां लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड था, इस पॉइंट के ऊपर मैंने रीडिंग ली है, तो इसके ऊपर वो जो उन्होंने मार्किंग की होती है ना इस तरह, ये जो होता है ये उसकी स्ट्राइक की डायरेक्शन होती है। ठीक है, और ये उसकी डिप की डायरेक्शन होती है। ठीक है, डिप और स्ट्राइक आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो डिप की आपने डायरेक्शन भी लेनी होती है। तो इसके फॉर्मेट होते हैं लिखने का, ठीक है, इसका फॉर्मेट ये है ट्रिपल एक्स डबल वाई ए, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रिपल एक्स ये कि जिस टाइम आप प्लानर फीचर की बात कर रहे होंगे तो पहले 3 डिजिट्स में आपने उसकी स्ट्राइक लिखनी होती है। ठीक है, हम नॉर्मली इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप इसको करेंगे नॉर्थ 35 डिग्री, ईस्ट हो गया फिर कॉमा के बाद 45, नॉर्थ ईस्ट में तो इसके परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट आ गया। ठीक है, एक फॉर्मेट इसका ये होता है। सेकंड फॉर्मेट ये होता है कि आप 0 35 कॉमा 45 साउथ वेस्ट, ये प्लानर फीचर के इसका फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, अगर आप स्ट्राइक की डायरेक्शन नहीं लिख रहे साथ में नॉर्थ ईस्ट वगैरह, तो फिर आप उसके 3 डिजिट्स लिखेंगे। अगर आपके पास 2 डिजिट हैं जिसना 35 है, तो आप 0 उसका लाजमी पहले प्लॉट करेंगे। ये जिस टाइम आप लिख रहे होते हैं तो इनमें डिग्रीज नहीं डालते, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप रफली डिग्री डाल देते हैं तो वो बाद में कंफ्यूज हो सकता है कि यार मे बी ये 0 लिखा हुआ है आपने। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मेट है, या आप ऊपर वाले फॉर्मेट के मुताबिक नॉर्थ 35 डिग्री ईस्ट लिखेंगे, या फिर आप उसके 3 डिजिट्स लिखेंगे। तो ये जाता है आपके पास प्लानर फीचर में। जो लीनियर फीचर होता है, जो जिस तरह किसी आप की मिनरल है उसमें जो है आप सॉरी कोई प्लानर वो है फॉर्मेशन है उसके अंदर कोई मिनरल्स हैं, वो लीनियर फीचर में जो है उनकी एलोंगेशन हुई हुई है, तो आप उसकी स्ट्राइक वगैरह अगर ले रहे हैं तो उसकी स्ट्राइक को कहा जाता है ट्रेंड। ठीक है, और उसकी डिप को कहा जाता है प्लंज। ठीक है, तो वो बेसिकली जो प्लंज होती है उसी डायरेक्शन में उसका, अब ये जैसे आपके पास फीचर है इसके अंदर, ये आपके पास लीनियर फीचर हो गया, इसको हम रेड से मार्क कर देते हैं, ये एक लीनियर फीचर है। तो इसकी जो ट्रेंड होता है वो इसी डायरेक्शन में होता है, प्लंज की डायरेक्शन में। और जो प्लंज होता है वो बेसिकली क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कितना एंगल है। ठीक है, तो इसमें जो आप लिखते हैं वो आप लिखेंगे 45 डिग्री प्लंज पहले लिखेंगे, फिर एरो का निशान डालेंगे, फिर आप जो है उसकी जो है 0 35 आपने लिख दिया। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंट फॉर्मेट है। इसमें ये पहले आप प्लंज लिखेंगे, फिर उसके बाद आप ट्रेंड लिखेंगे। ठीक है, समझ आई? जिस टाइम लीनियर फीचर का, जिस टाइम प्लानर फीचर का करेंगे पहले स्ट्राइक लिखते हैं फिर डिप की वैल्यूज लिखते हैं। जिस टाइम आप लीनियर फीचर की बात कर रहे होंगे तो पहले आपने उसका प्लंज लिखना है जो कि उसका डिप या रेसिप्रोकल है। ठीक है, उसके बाद आपने उसका ट्रेंड लिखना है जो कि स्ट्राइक का रेसिप्रोकल है। समझ आ गई? यस सर। तो यही उसने उसकी बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डेटा रिकॉर्डिंग होती है वो किस फॉर्मेट में की जाती है। ठीक है, फिर आगे यूजिंग सैटेलाइट नेविगेशन के बारे में हमने तफसील से पढ़ा था दूसरी बुक में कि कितनी सैटेलाइट्स हैं एट अ टाइम, जो है वो मिनिमम 4 सैटेलाइट्स हर पॉइंट पे आपके पास विजिबल होते हैं। तो उसके अलावा जो है कि उसका ग्लोनेस के बारे में ये लिखा हुआ है कि ग्लोनेस जो है वो फॉर एग्जाम्पल अगर 30 मीटर की आ रही है तो आपके पास 10,000 के स्केल में वो 3 mm की बनेगा डिफरेंस। ठीक है, मतलब अगर आप लार्जर स्केल क्या नाम है स्मॉलर स्केल के यूज कर रहे हैं जिसका आपके पास फ्रैक्शन ज्यादा है, 1:10,000 हो गया, 1:20,000 हो गया, तो उसने एक एग्जांपल दिए कि 1:10,000 में 30 मीटर का जो डिफरेंस है उसको जिस टाइम कन्वर्ट किया जाए तो वो आपके पास 3 mm का आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए आपका, तो आप यहाँ पे पॉइंट उसका प्लेस कर रहे हैं।
ठीक है, लेकिन अगर वो स्मॉल आपके पास लार्जर स्केल के होंगे जिसमें जो है 1:1000 के आगे या 1:5000 के आगे, तो उसमें ये जो है ना 30 मीटर का, ये आपको अच्छा खासा डिफरेंस दे देता है। ठीक है, तो इसलिए मेन चीज यही है कि जो आप जो हमने लास्ट जिस टाइम में हम कर रहे थे तब भी यही किया था कि उसकी ग्लोनेस आपने मस्त चेक करनी है, ग्लोनेस उसकी एक्यूरेसी को शो करेगा। ठीक है, बाकी उसने जीपीएस के बारे में वही चीजें सारी बताई हैं, उससे ज्यादा तफसील में नहीं बताया होगा, जैसे उसने सैटेलाइट्स के बारे में बताया और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया। तो आज इसमें पढ़ते हैं रिफ्लेक्टेंस इमेजरी एस ए बेस मैप। ठीक है, रिफ्लेक्टेंस वही है जो फोटोजियोलॉजी है। ठीक है, जितनी लाइट जो है वो हिट करती है, हिट करके जो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है उसको जो आप कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है, उसको जो इमेजरी है उसको जो स्टडी किया जाता है उसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेंस। ठीक है, जैसे आपके पास जो साइज़मिक सर्वे होते हैं, एक रिफ्रैक्शन सर्वे होता है, एक रिफ्लेक्शन सर्वे होता है। रिफ्लेक्शन में ये है कि वो बाउंस बैक कर जाती है, उसको स्टडी किया जाता है। और क्योंकि हर जो वेव होती है साइज़मिक की, वो जिस टाइम किसी इंटरफेस पे हिट करती है तो उसका आधा पोर्शन जो आप कह सकते हैं सर्टन पोर्शन उसका रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है और सर्टन पोर्शन उसका जो है रिफ्लेक्ट करके तो वो किसी एंगल पे डेविएट होके तो वो सब सरफेस में चला जाता है। ठीक है, इसमें भी यही होता है कि जिस टाइम इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती हैं तो उसका सर्टन पार्ट जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है उसमें एनर्जी के तौर पे। वो जैसे हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कोल के बारे में, तो कोल में उसने यही कहा था कि जो कोल बेड मीथेन है वो बेसिकली किसका प्रोडक्ट होता है कि वो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होती है ना प्लांट ने ड्यूरिंग लाइफ टाइम में, उसको वो केमिकल बॉन्ड्स के अंदर जो है वो उसे प्रिजर्व कर देता है। वही जिस टाइम सबडक्ट हो जाता है वो, तो आगे कोल की फॉर्मेशन में जिस टाइम कन्वर्ट हो रहा होता है तो वो केमिकल बॉन्डिंग जो है वो हीट और टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से वो टूटती है और उसकी वजह से वो जो मीथेन गैस होती है ना, जो कोल मीथेन गैस, वो जो है उसमें से एक्सट्रैक्ट आउट हो जाती है। ठीक है, तो वही कि लाइट जो सन से निकलती है रिफ्लेक्ट बैक जिस टाइम होती है तो उसको आप जिस टाइम स्टडी करते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाती है, वो आपके पास बन जाती है रिफ्लेक्टेड इमेजरी। ठीक है, यस सर। तो एयर फोटोग्राफ्स में आपके पास एक एडवांटेज ये है कि ये चीपर है रिलेटिवली। अगर आप सैटेलाइट की इमेजरी ले रहे हैं, सैटेलाइट की इमेजरी जो हमारे पास गूगल अर्थ की आ रही होती है वो आपके पास है तो फ्री है, लेकिन उसमें आपके पास जो है इतनी जो है क्या नाम है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। एक सर्टन हद तक आप उसे जूम इन कर सकते हैं, उसके बाद पिक्सल टूटने पड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें फ़ायदा ये होता है, इसका जो प्लस पॉइंट है एयर फोटोग्राफ्स का कि ये किसी हद तक भी आप इसको जो है जूम इन कर सकते हैं लेकिन इसकी जो रेजोल्यूशन है वो टूटेगी नहीं। ठीक है, पिक्चर्स लेता जा रहा है। ठीक है, ये हमने उसमें जो दूसरी बुक में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने अच्छे खासे तफसील से किया था। ठीक है, साइड ओवरलैप क्या होता है और जो फॉरवर्ड ओवरलैप है वो कितना है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 60% का आपके पास जो है वो फॉरवर्ड ओवरलैप है। अब इसमें इसका जो रन है जैसे नेडल लाइन कहा जाता है जो वो आपके पास ये बन रही है। ठीक है, नेडल लाइन क्या होती है, बेसिकली जितना आपकी जो फ्लाइट लाइन होती है उसके नीचे आप वर्टिकली ही उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं ऑन द रियल ग्राउंड। ठीक है, तो उसको कहा जाता है नेडल लाइन। ठीक, तो इसकी एक्वायरिंग क्या है, एक्वायरिंग यही है कि ये मोर चीपर है एज कम्पेयर टू अगर आप सैटेलाइट इमेजरी वगैरह ले रहे हैं, तो इसके अलावा जो है इसकी कॉस्ट जो है उससे कंपेरेटिवली अगर आप सैटेलाइट इमेजेस जो है रियल वाले ले रहे हैं तो उसकी सेम रेजोल्यूशन की, तो उसके कंपेरेबली ये इसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो रिलेटिवली कम है। ठीक है, तो ये उसने ऐसे ही एक एरोप्लेन के साथ उन्होंने कैमरा माउंट किया होता है और उसको जो है वो सिंपली जो है वो एक उन्होंने फ्रीक्वेंसी दी होती है कितने फ्रीक्वेंसी के बाद वो उसको क्लिक करता जाएगा। ठीक है, तो इसमें ओवरलैप इसलिए रखा जाता है ताकि उसकी वजह ये है कि इसका जो सेंटर पॉइंट है उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होती लेकिन जो इसके साइड पॉइंट्स हैं जो किसी भी इमेज के आपके पास मार्जिन आ रहे हैं उसके ऊपर आपके पास जो है डिस्टॉर्शन आ रही होती है इमेज में, तो इसलिए
इमेज को ओवरलैप किया जाता है, ठीक है, ताकि जो उसकी डिस्टॉर्शन है दोनों के जो पिक्सल्स हैं उन्हें आप जिस टाइम कंबाइन करें, जो सैटेलाइट इमेजरी है जिससे आपके पास रिमोट सेंसिंग है उसमें वो ये करता है कि जो ओवरलैप का पोर्शन होता है इसको वो डेवलप करके, तो जितने उसकी डिस्टॉर्शन है किसी पिक्सल्स में उसको वो रिमूव कर देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है इसका हमें फायदा ये होगा कि उसमें आपको क्या होता है कि आपको 3D इमेज शो होता है उसका, ठीक है। तो जियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो आप इस पे कैसे करते हैं, इसके वही है जैसे सैटेलाइट या इमेजरी है आपके पास, रेडार इमेजरी है, उसी तरह आप इसके फील्ड ऑब्जर्वेशन साथ में करेंगे और साथ में उसको आप इंटीग्रेट करके जिस टाइम आप लैंडस्केप को या फिर मैप स्केल को और जो पैटर्न ऑफ आपकी लिथोलॉजी और स्ट्रक्चर है उनको आप डायरेक्टली जो है वो आप इस पर से स्टडी करके जिस टाइम आप फील्ड में इन्हें साथ लेके जाते हैं तो वहीं पे आप स्टडी करके आप इनको उसके ऊपर ओवरले कर सकते हैं। तो जो इनिशियल इंटरप्रिटेशन है उसमें आपके पास क्या चीज क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है, उसमें आपके पास इंफॉर्मेशन जो इनिशियल आप वन लुक में आप देख के बता सकते हैं, उसमें आपके पास एक तो आउटक्रॉप्स ऑफ द एरियाज के बारे में पता लग जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है सुपरफिशियल कवर, मतलब आया वहाँ पे जो है वेजिटेशन है या फिर वहाँ पे जो है सॉइल का कवर है, किस चीज़ का कवर है, ठीक है। तो ये कवर जो है जो आपको एक वन लुक में जिस टाइम आप इमेज को देख रहे हैं तो उसमें आपको जो है उसका आइडिया हो जाता है, ठीक है। सेकेंडली जो है आप वहाँ पे टोपोग्राफिक फीचर वगैरह जिसमें आपके पास ड्रेनेज पैटर्न है, कलर एंड टेक्सचर ऑफ द रॉक्स है, इन चीज़ों के बारे में आप जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट बाय व्यूइंग द एरियल फोटोग्राफ। उसके अलावा आप जियोलॉजिकल हाइपोथेसिस वगैरह कर सकते हैं फील्ड चेकिंग के लिए कि आप इनिशियल डस्ट ऑफ स्टडी कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि यार अच्छा ये वाले जो पोर्शंस हैं ये जो पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट हैं तो इसलिए अगर हम इन इलाकों में जाके हम अपने मजीद देखें तो यहाँ पे हमें एक सिग्नेचर टाइप दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो है यहाँ पे मिनरल हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको एक इनिशियल हाइपोथेसिस के लिए जो है ये हेल्प आउट करता है, ठीक है। उसके अलावा जो है रोड एक्सेस वगैरह ट्रैक वगैरह ये चीजें आप इस पर से देख सकते हैं। तो ये एक वन गैलेंस में, ठीक है, बिफोर गोइंग टू द फील्ड आपके पास ये इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट हो जाती है। तो बेस्ट ये है कि अगर आप इसको रीड आउट करने का तरीका सीख लें, ठीक है, कि आप इसको जो है किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि वजह ये है कि जिस टाइम उसके ऊपर आपके पास ये था कि आप ज्योलॉजी को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं उसके थ्रू, ये उसकी उसमें लिखा हुआ था कि यार इसमें क्या क्या प्लस पॉइंट हैं, आप जो है इनिशियली कौन कौन से जो इसकी डेटा है उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाता है कि डिटरमिनिंग द स्केल। स्केल क्या होता है, स्केल बेसिकली जो होता है जो फोटोग्राफ होते हैं उसके जो एक मार्जिन होता है मार्जिन के ऊपर उन्होंने स्केल लिखा होता है, ठीक है। स्केल बेसिकली क्या होता है, ये किसी भी फोटो का जो स्केल है इज इक्वल टू 1:1 एरोप्लेन की जो हाइट है अबव द ग्राउंड डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा, ठीक है। एक तो ये है कि जो आपके पास आ रहा होता है कि किसी एरिया में आप जिस टाइम फ्लाइट ले रहे हैं, ठीक है, तो फ्लाइट की हाइट है, ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से एरोप्लेन बनाया, ठीक है, ये माउंटेन्स है नीचे, ठीक है, इसका यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस जो है मीन सी लेवल से, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला जिसको हम फॉर एग्जांपल स्मॉल एच से कर देते हैं और इसको हम जो है कंप्लीट को हम कैपिटल एच से कर देते हैं डिनोट, ठीक है। ये आप जिस टाइम ग्राउंड पे जाएंगे तो ग्राउंड पे आप जिस टाइम GPS लेके घूम रहे होते हैं तो आपको मीन सी लेवल का वो आइडिया बता रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है इसको जिस टाइम आप फाइंड कर लेते हैं तो जो एयरक्राफ्ट होता है आपका उसमें जो इमेजरी आ रही होती है इमेजरी में उसका जो हाइट शो कर रहा होता है फ्रॉम मीन सी लेवल होता है, ठीक है। जो आपके पास एरोप्लेन है ऑब्वियसली उस वो आपको जो है ये वाली हाइट शो कर रहा होगा कैपिटल एच की, ठीक है। इस कैपिटल एच में से जिस टाइम आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये आपको बता देगा कि इस एयरक्राफ्ट की फ्रॉम द रियल ग्राउंड कितना डिस्टेंस है,
ठीक है, अगर आप इस पोर्शन को जो कि आप रियल ग्राउंड में जाके जीपीएस के थ्रू आप वहाँ का जो आपके पास एलिवेशन है का डेटा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 3000 आ रहा है और ये टोटल आपके पास जो है एयरक्राफ्ट पे ऊपर 5000 आ रहा है, तो यहाँ पर से आप बता सकते हैं ना ये जो स्मॉल एच की वैल्यू है वो कितनी है, वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2000 मीटर का है। ठीक है, ये समझ आई? तो इसको जिस टाइम आप डिवाइड करेंगे फोकल लेंथ उसका जो है फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा, तो ये आपको किसी भी जो फोटोग्राफ है उसका आपको स्केल बता देगा कि फोटोग्राफ पे जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू दिस मच ऑन द रियल ग्राउंड। इसी समझ आइए? यस सर। तो स्केल ऑफ द फोटोग्राफ क्या है, इज इक्वल टू एच डिवाइड स्मॉल एच डिवाइडेड बाय आपके पास जो फोकल लेंथ है। ठीक है, फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ क्या होती है, लेंस और जो फोटो इमेज है उसके दरमियान का डिस्टेंस जो होता है, ये वाला डिस्टेंस ये आपके पास फोकल लेंथ होता है। ठीक है, और जो स्मॉल एच है आपके पास वो है फ्रॉम हाइट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, उस कैमरा की हाइट। ठीक है, तो ये अगर आपके पास नीचे हम कर देते हैं मीन सी लेवल, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है, जो आप किसी जिस टाइम ऑन रियल फील्ड ग्राउंड जाएंगे तो आपके पास जीपीएस होगा, तो जिस टाइम आप उसको प्लेस करेंगे और उसके आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले रहे हैं तो उसके अलॉन्ग एलिवेशन में ये आपको बता देता है। ठीक है, अगर आपके पास एमए डेटा यहाँ का अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जिस टाइम फील्ड पे जाएंगे तो तब आपके पास इस जो एलिवेशन है इसका डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस एलिवेशन के डेटा को जो आपके पास टोटल मीन सी लेवल का फ्रॉम दिस फ्लाइट है उसमें से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस एच की वैल्यू को जिस टाइम आप एफ से डिवाइड करेंगे जो कि फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा है तो आपके पास उसका स्केल बन जाता है। ठीक हो गया? तो अब इसमें यही प्रॉब्लम है कि ये जो स्केल होता है ये हर पिक्चर के लिए डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि कोशिश तो वो करता है कि जो एरोप्लेन है उसको वो सेम हाइट के ऊपर लेके जाए, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये होता है कि बाज़ दफ़ा एयर डिस्टॉर्शन की वजह से अप एंड डाउन उसमें आती है, या फिर उसके एयर डिस्टॉर्शन की वजह से जो इमेज है वो उसमें थोड़ी डिस्टॉर्शन आ जाती है। लेकिन अगर आप देखें कि किसी टेरेन में वो गुजर रहा है जहाँ पे हाइट वेरिएशन है, ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पे है उसने एक पिक्चर इस पोर्शन में ली, एक पिक्चर उसने यहाँ पे क्लिक किया, एक पिक्चर उसने यहाँ पे क्लिक किया, अब इन दोनों का देखें आप यहाँ पे हाइट डिफरेंस है, ठीक है, इतना डिफरेंस है, तो इस वजह से वो सेम रखना वो थोड़ा मुश्किल होता है स्केल। ठीक है, वो कोशिश तो करता है कि सेम हाइट हो, लेकिन उसके बावजूद जो है जिस टाइम नीचे डिफरेंट टेरेन से गुजर रहा है तो उस वजह से वो ग्राउंड की जो एलिवेशन है वो अप एंड डाउन हो रही होती है, तो उस ग्राउंड की एलिवेशन अप एंड डाउन होने की वजह से इस एच के ऊपर फर्क पड़ता है, तो जितना ये एच पे फर्क पड़ेगा उतना आपका स्केल जो है वो हर पिक्चर के लिए डिफरेंट होगा। समझ आई? तो अनदर वे ऑफ चेकिंग द स्केल इज टू मेजर द लेंथ ऑफ अ नोन फीचर इन द सेंट्रल पोजीशन ऑफ द फोटो, जहाँ पे डिस्टॉर्शन आपकी कम होती है, उसको अगर आप जो है टोपोग्राफिक मैप शीट जो आप यूज कर रहे हैं तो उसके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप इन दोनों का डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, स्केल का डिफरेंस फाइंड करने का सेकेंड तरीका ये है कि आप जो टोपोग्राफिक शीट जो साथ में आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं जो GSP ने जनरेट की या किसी और सोर्स से आपने ली है तो वहाँ पे कोई नॉन फीचर है, जिस तरह कोई बिल्डिंग होगी या फिर नॉन बिल्डिंग होगी या फिर कोई और फीचर है, उसको आपने अगर आइडेंटिफाई किया तो बेसिकली ये जो स्केल होता है इसका मोस्टली एप्लीकेबल होता है ओनली एट द सेंटर ऑफ ईच फोटोग्राफ। ठीक है, सेंटर वाला पोर्शन जहाँ पे डिस्टॉर्शन इसकी मिनिमम होती है वहाँ पे किसी भी फोटो का जो स्केल उसकी साइड पर लिखा होता है वो उसका एप्लीकेबल उन पोजिशन पर ज़्यादा होता है। ठीक है, मार्जिन्स पे उसका जो स्केल दिया होता है वो उसके मार्जिन के ऊपर इतना एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि वहां पे डिस्टॉर्शन होती है। ठीक है,
तो वही उसे नीचे जो रेड कलर मैंने आपको शो किया हुआ है वो यही के मार्च जो मैंने किया हुआ है वो यही कि इसका जो स्केल होता है वो मोस्टली ओनली एक्सेप्टेबल जो होता है वो सेंट्रल पॉइंट्स के ऊपर होता है. तो इंटरप्रिटेशन है जो आप तो कर रहे हैं शुड नॉट बी कैरीड आउट ऑन द एजेस ऑफ द फोटोग्राफ. ठीक है, जहाँ पे 60% का आपके पास ओवरलैप आ रहा होता है ना, तो आपने जो इंटरप्रिटेशन करनी है वो किसी भी पिक्चर के जो एरियल फोटोग्राफ है उसके सेंटर पॉइंट को फोकस करके आपने करनी है. ठीक है, जो उसके मार्जिन है जहाँ पे 60% का ओवरलैप आ रहा है तो वहाँ पे आप जो है जो फॉरवर्ड ओवरलैप या साइड ओवरलैप्स आ रहे हैं तो वहाँ पे आप इंटरप्रिटेशन ना करें, क्योंकि वहाँ पे डिफिकल्ट होता है. इसकी वजह ये है कि वहाँ पे आपके पास जो है डिस्टॉर्शन इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, इसके अलावा इसमें जो प्लॉट किया होता है वो उन्होंने प्लॉट किया होता है नॉर्थ का एरो. ठीक है, आगे एक हम पिक्चर ले लेते हैं बजाय इसके कि हम आपको ख्याली बातों में कंफ्यूज करते रहें. तो ये एक इमेज है. ठीक है, इसके ये सेंटर पॉइंट आपके पास आ गया फोटो सेंटर. साथ में मार्किंग गन बला भी बनाते जाते हैं इसके ऊपर. तो ये इसका सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ पे डिस्टॉर्शन मिनिमम होती है. ये आपके पास वो पोर्शन है यहाँ पे आपके पास 60% की ओवरलैपिंग आ रही है, यहाँ पे ऊपर आपके पास 20% ऊपर और नीचे 20% की आपके पास जो है यहाँ पे ओवरलैपिंग आ रही है जिसे साइड ओवरलैप कहते हैं. ठीक है, ये आपके पास फॉरवर्ड ओवरलैप आ गया, ये आपके पास साइड ओवरलैप आ गए. ठीक है, तो ये वाला सेक्शन जिस टाइम पढ़ेंगे उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि ये जो क्रॉस मार्क हैं ये क्यों लाजमी होते हैं. इसके अलावा यहाँ पे जो है लेवल शो किया हुआ होता है. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अल्टीमीटर रीडिंग है. अल्टीमीटर वही हाइट की रीडिंग है. ठीक है, प्लस ये रन का सीक्वेंस उसने बताया हुआ है, उसका रन नंबर लिखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वाला जो है वो 7 है 8 है, तो वो आपको पता लगेगा कि वो इस डायरेक्शन में इसका रन जो है मूव कर रहा है. तो ये आपके पास लेफ्ट इमेज आ गया, नेक्स्ट वन वाला जो है वो आपके पास राइट इमेज आ जाएगा. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे डेट एंड टाइम स्टैम्प किया होता है ताकि वो पता लगे कि कौन सी डेट को कौन से टाइम पे ये पिक्चर्स ली गई हैं. ठीक है, उसके अलावा जो है आपके पास ये नॉर्थ का इमेज होता है. ठीक है, नॉर्थ का सिंबल दिया होता है ताकि वो पता लगे कि जो फ्लाइट ली गई है उसके अकॉर्डिंगली ये जो इमेज है इस ये कौन सी डायरेक्शन में. तो मोस्टली ये जो नॉर्थ की इमेज सॉरी जो इन्होंने सिंबल यूज़ किया होता है ये लाजमी नहीं कि वो एक्यूरेट भी हो. ठीक है, बाज़ दफ़ा जो है फ्लाइट में डिस्टॉर्शन आती है तो उसकी वजह से वो जो कंपस है वो रोटेट कर जाती है. तो इसका बेहतर तरीका यही होता है कि आप इसको जो है ना क्रॉस चेक कर लें. क्रॉस चेक करने का वही है कि जो टोपोग्राफिक आपके पास मैप है जो कि आपने GSP वगैरह से ऑलरेडी लिया हुआ है साथ में इनकॉर्पोरेट करने के लिए, तो उसमें जो आपके पास इमेज है उसका एक आइडेंटिफाइंग फीचर लेके आप उसके साथ कंपेयर करें तो आपको पता लग जाएगा. अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास फोटोग्राफ है, इसके अंदर ये इमेज है. ठीक है, और इसने यहाँ पे नॉर्थ शो किया हुआ है. आपके पास टोपोग्राफिक शीट में ये इमेज इस तरह पड़ा हुआ है. ठीक है, तो इसको जैसे मैं आप कंपेयर करेंगे तो ये नॉर्थ यहाँ पे आ रहा होगा इसका फोटोग्राफ का नॉर्थ, जबकि टोपोग्राफिक शीट का नॉर्थ आपके पास इस डायरेक्शन में है. ठीक है, तो ये आपस में आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितने डिग्री का इसमें वेरिएशन आ रही है. ठीक है, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं जो हर फोटोग्राफ के ऊपर उन्होंने माउंट की होती हैं, वहाँ पे पेस्ट हो रही होती हैं. ठीक है, जितने इमेजेस आ रहे होते हैं उसके ऊपर पेस्ट हो रही होती हैं. तो इसका प्लस पॉइंट इमेजरी के अकॉर्डिंगली क्या था कि अगर सैटेलाइट इमेजरी के रेलेवेंस में आप फोटो ले रहे हैं तो फोटो का ये है कि आप इसे जितनी मर्जी स्केल तक आप इसे जूम इन करके इसके आप प्रिंट निकाल सकते हैं. सर, ये फोटोग्राफ के नॉर्थ में और इसके नॉर्थ में डिफ्लेक्शन क्यों आ रही है सर? वही उसने कहा ना, वो फ्लाइट की वजह से बार दफा जो है ना उसमें डिस्टॉर्शन आ जाती है प्लेन की मूवमेंट की वजह से. ठीक है, जिस टाइम वो मूव कर रहा है तो मे बी एयर विंड की वजह से उसे अगर अपने ट्रैक से थोड़ा सा वेरिएट कर गया तो उसकी वजह से उसमें थोड़ी सी, क्योंकि वो तो आपने उसको सीक्वेंस दिया होगा कि हर 30 सेकंड के बाद जो है वो क्लिक करता जाए, तो 30 सेकंड के बाद वो जो है अगर वो कंपस उसकी कैलिब्रेट नहीं हो सकी उतने पोर्शन में अगर उसमें डिस्टॉर्शन आ गई है. ठीक है,
तो वो फिर आपके जो नॉर्थ का जो सिंबल है वो एक्यूरेटली प्लॉट नहीं होगा। सर ये डिस्टॉर्शन आती किस वजह से? सर वही अभी बताया मैंने इसको, मैंने कहा फ्लाइट में जिस टाइम जो है थोड़ा सा डिस्टॉर्शन वगैरह आ रही हो फ्लाइट डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से जो कंपास है अगर वो सही तरह वो सेंसिटिव नहीं है, फुली सेंसिटिव नहीं है, और वो उसमें थोड़ा सा लैगिंग आ रही है, तो लैगिंग की वजह से अब, लेकिन जिस टाइम क्लिक का पॉइंट आएगा तो क्लिक के पॉइंट में उसने ऑटोमेटिकली ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उस पे हर इमेज में उसने ये माउंट कर देनी है, ठीक है? तो अगर कंपास में थोड़ा सा एरर आ गया तो उसने उस एरर के साथ ही उसको माउंट कर देना है। ठीक है सर। तो स्टीरियोस्कोपिक इमेज पेयर्स का मतलब ये है कि जैसे हम आप दो तीन इमेजेस इकट्ठे यूज कर रहे हैं, तो वो बेसिकली उसने यही कहा कि जिस टाइम हमने दूसरे उस लेक्चर में भी कहा था पैरेलैक्स इफेक्ट के बारे में हमने बात की थी कि किसी एक फीचर के जैसे हम आप दो डायरेक्ट दो एंगल से जैसे हम उसका इमेज लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक मैंने अपनी तरफ से दरख्त बनाया, ठीक है, आप इसका एक क्लिक आपने यहाँ पे लिया, सेकंड क्लिक आपने यहाँ पे लिया, तो ये आपके पास एक आपके पास इमेज ये आएगा, दूसरा इमेज आपके पास ये आ रहा है, ठीक है? तो ये आपके पास डिफरेंट एंगल से है, यहाँ पर से उसका ये फेस शो हो रहा है, इस साइड से आपके पास जो है उसका लेफ्ट फेस शो हो रहा है, तो इन दोनों इमेजेस को जिस टाइम आप कंबाइन करते हैं किसी स्टैटिक उसमें स्टीरियोस्कोप में, तो ये आपको एक 3D इमेज शो कर रहा होता है, ठीक है? इस इंफॉर्मेशन के लिए मस्ट ये होता है कि आपकी लेफ्ट आई के ऊपर लेफ्ट इमेज हो और आपकी राइट साइड के ऊपर राइट इमेज हो, ठीक है? जिस टाइम वो आपकी प्रोसीडिंग होती जा रही है ना, तो उसके बारे में इसने बताया कि दो इमेजेस होते हैं आपके पास, एक लेफ्ट इमेज होता है और एक आपके पास राइट इमेज होता है, ठीक है? जैसे वो क्लिक करी जा रहा है, उसने एक इमेज ये लिया, नेक्स्ट इमेज उसने ओवरलैपिंग के साथ ये लिया, उससे नेक्स्ट इमेज उसने ये वाला लिया, तो ये आपके पास लेफ्ट इमेजेस हैं, ये राइट है, ये फिर राइट है, ठीक है? ये राइट, ये वाला राइट इसके अकॉर्डिंगली जो है ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली ये लेफ्ट हो जाएगा, तो आपने उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में आपका रन जा रहा है उसी सीक्वेंस में आपने इन्हें दोबारा रखना होता है, ठीक है? उसकी वजह यह है कि अगर ये आपके पास एक इमेज लेफ्ट है और ये आपका राइट है, तो इसका इमेज जो पे आपके पास एक बॉडी आपने कैप्चर की और यहाँ पे आपने कैप्चर की, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है? इसी को अगर आपने राइट लेफ्ट को राइट पे रखती है और राइट को लेफ्ट पे रखती है, तो उस केस में क्या होगा आपके पास? उस केस में आपके पास ये दो इमेजेस आगे, लेकिन वो क्या होगा, एक यहाँ पे होगा और दूसरा यहाँ पे होगा, समझ आई? तो वो आपस में पैरेलैक्स इफेक्ट नहीं देगा, इस चीज की समझ आई सर? ये चीज फिर समझा दें, ये लास्ट में आपने जो बताया, देखें ओरिजिनली आपने जो इमेज लिया है यहाँ पे, ये ग्रीन वाला पॉइंट हम बात कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप इसे लेफ्ट वाले इमेज को अपनी लेफ्ट आई के नीचे रखेंगे, ठीक है? और स्टीरियोस्कोप की दो है ना, स्टीरियोस्कोप ये है, स्टीरियोस्कोप सिंपल सी है, ठीक है? तो ये इसकी आपकी लेफ्ट आई होगी, ये आपकी राइट आई होगी। अब हम इसे स्टीरियोस्कोप में देख रहे हैं कि दो अलग-अलग पिक्चर रख के देखें तो दो इमेजेस हैं, लेकिन उनको जिस टाइम आप स्टीरियोस्कोप के अंडर देखेंगे ना, तो उसने आपको 3D इमेज देना है, ठीक है? तो यहाँ पे एक पॉइंट है और इसी के अंडर जो है हम कहते हैं कि ये वाला दूसरा पॉइंट है। अगर आप इसको लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंगली नहीं रखेंगे, तो फिर ये इमेज क्या हो जाएगी, ये इस वाले इमेज को हम ये कर देते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया आपके पास, ठीक है? ये 1 और ये 2 हो गया, तो 2 के लेफ्ट पे और 1 के राइट पे है ना, ये वाला पॉइंट ऐसा ही है ना। और अगर मैं 2 को इस साइड रख देता हूँ, 1 को इस साइड रख देता हूँ, तो फिर ये वाले पॉइंट के साइड पे हो जाएंगे, 2 के तो यहाँ पे है और 1 के यहाँ पे है, तो ये आपस में ओवरलैप तो नहीं होंगे ना,
समझ आई? बोले ना यार, समझ आई है कि नहीं आई? यस सर, अब आ गई है समझ। हाँ सिंपल, वो बच्चों वाली बात है, अगर आप उसे बेतरतीबा करके रख देंगे तो वो आपस में मैच अप नहीं करेंगे, तो इन्हें आपने तरतीब से रखेंगे तो तब ये वाला जो आपके पास ये पॉइंट है ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है? तो इसको आपने वन ये टू ये रखेंगे तो तब ये जो है आपके पास ये पॉइंट आपस में एक ही, जब आप इस स्टीरियोस्कोप के अंडर देखेंगे तो ये आपको एक ही इमेज को, जो फॉर एग्जांपल हम उसी एक दरख्त की बात कर रहे थे, तो दरख्त यहाँ पे भी है, दरख्त यहाँ पे भी है, तो आपका ब्रेन जो है ना इसको वो 3D पिक्चर बता देगा। क्यों? क्योंकि एक इमेज में इसकी राइट फेस आया हुआ है और दूसरे इमेज में इसका लेफ्ट फेस आया हुआ है, तो जब आप इसे कलेक्टिवली देखेंगे तो राइट और लेफ्ट दोनों आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है? तो वो आपके पास जो है वो एक 3D फेस बना देगा उसका। समझ आई? तो इसको देखने का जो आइडियल तरीका होता है ना, वो आइडियल तरीका ये होता है कि आप इसकी जो रेशियो है ना वो 1:3 का रखें। 1:3 के नॉर्मली जो आपका डिस्टेंस होता है बिटवीन द आईज वो होता है 200 mm का, ठीक है? ये जो स्टीरियोस्कोप के दरमियान देखते हैं ना, दो आंखों के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये आपके पास 65 mm का है, ठीक है? और जो इमेजेस हैं उसी तरह आपके पास जो है उसकी हाइट अगर आप 1:3 का करेंगे ना, तो ये आपके पास अगर हाइट जो है वो 200 mm की रखेंगे तो फिर आपके पास 1:3 का बन रहा है, ठीक है? वो कैसे कि 65 का आपकी आंखों के दरमियान का डिस्टेंस है जो कि आपकी स्टीरियोस्कोप का भी होगा, ठीक है? इसको अगर आप 200 पे रखें तो ये अगर आप इसे जो फ्रैक्शन आउट करें तो 1:200 / 200/65, तो ये आपके पास जो है 1:3.07 आता है, ठीक है? तो अगर इमेज है उसको आप इतने डिस्टेंस पे रखेंगे तो उसमें डिस्टॉर्शन नहीं आएगी। इसको यहाँ पे पढ़ते हैं तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगा कि आईज के दरमियान का डिफरेंस जो है आपका ऑलमोस्ट जो है 55 से लेके 65 mm का होता है, ठीक है? बी जिसको उसने कहा, ठीक है? और जो आपका जो अगर डिस्टेंस है फ्रॉम द इमेज आपकी, मतलब वो ग्लासेस का और जो इमेज आपने डेस्क पे प्लेस किया हुआ है या आप हाथ में फील्ड में देख रहे हैं, तो उसका इमेज का जो डिस्टेंस है आपके हाथ से आपकी आईज से उस इमेज तक का डिस्टेंस है वो अगर आपने 200 mm का लिखा रखा हुआ है तो उन दोनों के दरमियान जो रेशियो है 1:3 की आ रही है, ठीक है? तो 1:3 की अगर आपके पास ये रेशियो अगर आप मेंटेन रखते हैं तो आपके पास नो स्केल डिस्टॉर्शन आएगी व्यूइंग के दौरान। जिस टाइम आप उसे व्यू कर रहे होंगे इमेज को ना, तो उसमें स्केल की डिस्टॉर्शन नहीं आएगी। तो ये एक इमेज व्यूइंग टेक्निक है कि आपने उसकी रेशियो जो है वो उसको आपने मेंटेन रखना होता है। समझ आई? तो वही जैसे ही आप साइड बाय साइड उनको व्यू कर रहे हैं तो आपने उसको करना क्या है कि लेफ्ट इमेज को लेफ्ट साइड पर रखना है, राइट इमेज को राइट साइड पर रखना है, और उन दोनों के दरमियान अगर आप ये रेशियो जो है इसको मेंटेन रखते हैं तो आपके पास जो 3D व्यू डायमेंशन आप किसी भी आउटक्रॉप की जैसे ही देख रहे हैं तो उसमें आपके पास डिस्टॉर्शन नहीं आएगी। समझ आई? तो ये नीचे आगे उसने एक एग्जाम्पल दी हुई है कि आपने अगर क्लिक्स भी उसी हिसाब से लिए हुए हैं, ठीक है? क्लिक्स भी आपने 65 मीटर के बाद आपने क्लिक किया हुआ है, फर्स्ट क्लिक आपने फॉर एग्जांपल ये 0 आ गया आपके पास, और उसके बाद जो है 65 मीटर के बाद उसने यहाँ पे सेकंड क्लिक किया, ठीक है? और जो ग्राउंड का डिस्टेंस है वो अगर 200 मीटर का है तो इसको जिस टाइम आप कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर्स में तो ये आपकी रेशियो बनेगी, ठीक है? इसका अगर आप 1:5 करें ना, 65 मीटर वही आ गया 65:200 meters, ठीक है? दोनों साइड पे मीटर आ गया तो ये 1:3.07 meters आ गया।
या इसी को आप कर सकते हैं 1:3 mm मिलीमीटर, ठीक है। दोनों साइडों पे आप जिस टाइम स्केल सेम करेंगे तो वो आपको जो है वो उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। रेशियो का फायदा यही होता है कि रेशियो के दोनों साइडों पे आपके पास स्केल सेम होता है। ये सी समझ आइए। तो इसीलिए अब देखें, अब इसने फर्स्ट क्लिक में ये नीचे जो इसका ट्री आ रहा है इसका उसने ये वाला फेस इसने कैप्चर किया, सेकंड क्लिप में उसने ये वाला फेस उसने कैप्चर किया। लेकिन दोनों को अगर आप सेम उसी ही रेशियो के मुताबिक अगर आप उसको प्लेस करके डेस्क के ऊपर जिस टाइम आप उसे स्टडी करेंगे तो आपका ब्रेन जो है उसको एक 3D इमेज में दोबारा आपको प्रोजेक्ट करके दिखा देगा। समझ आई? अब इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप वही रेशियो मेंटेन रखेंगे तो हमने तो यही अगर रेशियो हम मेंटेन रख रहे हैं इस केस में 200 मीटर की बुलंदी पे जो है उसकी फ्लाइट ले रहे हैं, ठीक है हो जाएगी। लेकिन अगर हर 65 मीटर के बाद वो क्लिक कर रहा है तो वो इंतहा के ज्यादा क्लिक होते जाएंगे, आपके पास डेटा जो है उसका क्लस्टर बन जाएगा। तो अगर कहीं पे हाइट की वेरिएशन आती है तो हाइट की वेरिएशन की वजह से वहां पे वर्टिकल एग्जैजरेशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसने क्लिक अगर इतनी हाइट पे किया क्योंकि टेरेन नीचे आ रही थी या वो टेरेन में कोई फर्क पड़ा, ठीक है, ये डिस्टेंस मेंटेन नहीं रह सका, ठीक है, इसने तो हाइट उतनी रखी थी लेकिन यहाँ पे आपके पास एच जो है वो वेरिएट कर गए। तो इस केसेस में प्रॉब्लम क्या होता है कि वर्टिकल एग्जैजरेशन आ जाती है, यहाँ पे कोई डिप्रेशन थी उसकी वजह से एच जो है वो आपका इंक्रीज कर गया, इसलिए यहाँ पे वर्टिकल एग्जैजरेशन आ जाती है। वर्टिकल एग्जैजरेशन का जो फ्लैट टोपोग्राफी होती है ना उसमें तो बड़ा फायदा होता है, उसमें ये है कि जो आपकी फ्लैट टोपोग्राफी है उसको थोड़ा सा इनहेंस कर देता है वर्टिकली, ठीक है, जो ओरिजिनली आपके पास हल्का सा ऐसा बाउंड था उसको वो थोड़ा मजीद उसको जो है एग्जैजरेट करके थोड़ा और एलिवेटेड शो करेगा, ठीक है। तो अगर आप प्लेनर उस पर कर रहे हैं, प्लेनर किसी ग्राउंड के ऊपर फोटो इमेजरी कर रहे हैं तो फिर तो जो वर्टिकल एग्जैजरेशन है उसका आपको फायदा ही होगा। लेकिन अगर आप किसी माउंटेनियस एरिया में आप सर्वे कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी माउंटेन्स हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी फॉर एग्जांपल ये वाली माउंटेन थी इसको वो मजीद एग्जैजरेट कर देगा। और अगर जैसे आप एबटाबाद के इलाके में या ऐसे नॉर्दर्न एरिया में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे वो आपस में क्लस्टर्ड आ जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे वर्टिकल एग्जैजरेशन होती है ये आपका जो इमेज है उसमें आपको बड़ी डिस्टॉर्शन दे देता है। तो ये समझ आई कि वर्टिकल एग्जैजरेशन क्या होती है। अगर तो वो अपना स्केल जो है वो सेम ना रख सके तो वो फिर उसमें वर्टिकल एग्जैजरेशन आ जाती है, किसी भी चीज को पकड़ के वो खींच देता है, ठीक है, जो इमेज है उसका किसी बिल्डिंग का या किसी ट्री का उसको जो है वो खींच देता है, ठीक है। तो इसमें जो इक्विपमेंट यूज होते हैं वो आपके पास जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसे स्टीरियोस्कोप कहा जाता है। ऑप्टिकल वही जो आंख के साथ रिलेटेड चीजें होती हैं उन्हें ऑप्टिकल कहा जाता है, ठीक है, जो ग्लासेस वगैरह होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट जो चीपर है जो फोल्डेबल है वो आपके पास पॉकेट स्टीरियोस्कोप भी आ जाती हैं। लेकिन पॉकेट स्टीरियोस्कोप का एडवांटेजेस ये हैं कि आप इसको फील्ड में यूज कर सकते हैं, और डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसमें आपके पास जो है वो जो इमेजेस यूज कर रहे हैं उसमें बाद दफा बैंड वगैरह आ जाता है, ठीक है, या फिर जो इसके एजेस हैं उसमें आपको जो है इसकी जो मैग्निफिकेशन है जो इसका जूम इन है जो इसकी क्लैरिटी है उसमें थोड़ा सा इशू है, ठीक है। अब ऑब्वियसली आप एक फीचर को एक आम सिंपली आपका जो जूमिंग लेंस है जिससे आप फील्ड पे लेके जाते हैं उससे देखेंगे तो वो डिफरेंट है, माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो वो आपको डिफरेंट देगा। तो वही उसकी जो मैग्निफाइंग है ना वो जो पॉकेट स्टीरियोस्कोप होती हैं उसमें थोड़ा काम है। तो जो बेस्ट मॉडल्स हैं वो आपके पास जो आते हैं वो अप टू 10x की आपके पास बाइनोकुलर्स होती हैं, ठीक है, आई पीसेस में उनके साथ जो है वो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो वो बेसिकली यही है कि आप इसको फील्ड में लेके जाने अगर आप यूज करना चाह रहे हैं इमेजेस को तो आप पॉकेट स्टीरियोस्कोप साथ में लेके जाएंगे,
जब वापस आके आपने डेस्कटॉप स्टडी करनी है तो फिर आप पॉकेट स्टीरियोस्कोप यूज़ मत करें, फिर आप जो है वो मिरर रिफ्लेक्टिव जो स्टीरियोस्कोप्स हैं उनको यूज़ करें। ये आगे उसने बताए हुए डिफरेंट, ठीक है, फोल्डिंग पॉकेट स्टीरियोस्कोप आपके पास जो है ये ए में, ठीक है, ये सिंपली जो है ये जिस टाइम अगर आप फील्ड में स्टडी कर रहे हैं तो आप साथ में लेके जाते हैं तो ये आपके पास अच्छा एक काइंड ऑफ एडिटिव आ जाएगा। उसके अलावा मिरर स्टीरियोस्कोप आपके पास ये आ जाता है, सेकंड वाला, ये देखिए ये इसमें ये मिरर लगे हुए हैं तो ये आपस में जो है वो जो आपके पास आ रहे होते हैं क्या बोलते हैं उसको यार, जो ओवरलैपिंग आ रही है ना उसकी वजह से जो पैरेलल से रिजल्ट सेम तो नहीं आएगा ना सर, सेम रिजल्ट नहीं आता ना ऑब्वियसली। यहाँ पे देखें ये आपके पास सिंपल जो है वो एक लो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ है, यहाँ पे आप देखें ये आपके पास जो है बाइनोकुलर सी यूज हो रही है, फिर ये यहाँ पे जो थर्ड वन है इसमें ये आपके पास यहाँ पे लाइट वाला इफेक्ट भी पड़ा हुआ है, ठीक है, वो लाइट भी उसके ऊपर डाल के तो मजीद ये जो है ये नेचुरल लाइट पे जो रूम की लाइट के सेकंड वन वाला जो है वो रूम की लाइट को यूज कर रहा है, और जो थर्ड वन है इसके ऊपर तो प्रॉपरली टेबल लगी हुई है, ठीक है, और इसमें आप ये देखिए मिरर कितने बड़े लगे हुए हैं, ठीक है, ये ज्यादा एरिया को ज्यादा अच्छे कैप्चर कर सकता है। उसके अलावा आप जब एडिशनल आर्टिफिशियल लाइट उसको दे रहे हैं तो उसकी वजह से जो है उसकी ब्राइटनेस फोटोग्राफ की ज्यादा होगी, वैसे ही है जैसे कमरे में जितनी लाइट कम होती जाएगी उतना आपके पास जो इमेज है वो डार्कर नजर आता जाएगा, जितने लाइट उसकी आप कमरे में बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि इसको भी दोबारा देखने के लिए आपको तो रिफ्लेक्शन चाहिए ना इस इमेज को देखने के लिए भी, तो जितनी रिफ्लेक्शन आप इंक्रीज करते जा रहे हैं और उसके अलावा जितना आप जो लेंसेज हैं वो उतने अच्छे यूज करते जा रहे हैं उतना आपके पास जो है इमेज उतना क्लियर शो होगा। तो इमेज हैंडलिंग टेक्निक्स में कि अगर आप इमेज को फील्ड पे लेके जा रहे हैं तो उसके यही है कि उसने यही कहा कि अगर आप ग्लेज प्रिंट्स के ऊपर अगर इसे आप प्रिंट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें जो है एक तो ग्लो आ जाती है और सेकंडली जो है उसके जो एजेस हैं वो कर जाएंगे, जैसे फोटोग्राफ्स होते हैं ना सिंपल उन्होंने वो ग्लेज के ऊपर वो उसे प्रिंट किया होता है जो चमकीला सा होता है, आप हल्का सा उसे रोटेट करके देखें तो उसमें वो चमक आती है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो वो ग्लो करने पड़ जाता है और सेकंडली ये है कि बाज़ दफ़ा अगर फोटोग्राफ्स हैं उसको आपने प्रॉपरली हैंडल नहीं किया, जैसे फील्ड में अगर आप बंदा उन्हें इतना भी हैंडलिंग उसकी नहीं कर सकता तो उसकी वजह से उसके जो एजेस हैं ना वो जो है वो बेंड हो जाते हैं, ठीक है, जैसे डॉग ईयर कहा जाता है, मतलब वो जैसे वो किसी कोना है वो वहाँ पे वो बेंड हो गया, तो उसको इसने तो उसके बजाय अगर आप मैट प्रिंट यूज कर रहे हैं तो मैट प्रिंट जो है वो ज्यादा आपके पास अच्छे हैं, उसमें जो है कर्लिंग का इफेक्ट कम आ जाता है और उसमें बेंडिंग का इफेक्ट कम आ जाता है, ठीक है, लेकिन हाई ग्लो वाले प्रिंट्स में उसने यही कहा कि प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास इजी टू रीड है, ठीक है, जिस टाइम उसके ऊपर आप एक फिल्म को ओवरले करेंगे, ठीक है, अब ये भी आप बेस मैप के तौर पे यूज कर रहे हैं तो इसलिए इसके ऊपर जिस टाइम आप करेंगे तो आप जितनी राइटिंग है वो आप इसके ऊपर ये देखिए ये जो इसने यहाँ पे शो किया हुआ ना ये उसके ऊपर ओवरले है वो जिसको हम कह रहे थे ट्रेसिंग पेपर का, तो ट्रेसिंग पेपर इसके ऊपर ओवरले करके उसके ऊपर आप लिखते हैं बनाते हैं, ठीक है, तो इसकी रिकमेंडेड यही है कि आप डायरेक्टली इसके ऊपर जो इमेज आपके पास है क्योंकि वो हाईली कॉस्टेड होता है, ठीक है, उसके ऊपर आप गन बनाना मत शुरू करते हैं, ठीक है, उसकी वजह ये है कि अब यहीं पे अगर रियल इमेज है इसके ऊपर आप ये यहाँ पे जियोलॉजी मार्क करते हुए जा रहे हैं तो मे भी क्योंकि ये कलर फोटोग्राफ होता है तो बाद में आपको पता ही ना लगे कि यार कौन सा आपने मार्क किया है कौन सा कलर जो है वो दूसरा ऑलरेडी वहां पे मार्क था, ठीक है, तो बेस्ट टेक्निक ये होती है कि इसके ऊपर जो है आप ओवरले को जो आपके पास ट्रेसिंग पेपर है उसकी डिफरेंट शीट्स जो है ओवरले कर दें, ठीक है, उसको जो टॉप है उसको अगर आप ग्लू कर दें या फिर आप उसे क्लिप कर दें तो वो बेस्ट रिकमेंडेड में आता है, एक साइड आप करें ताकि आप जो है इसको फोल्ड अप फोल्ड डाउन करके अगर आपको आपने वो देखना है क्या नाम है जो अंडर जो आपके पास मैप है अंडरलाइन में उसको देखना है तो आप इसे फोल्ड अप फोल्ड डाउन कर सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे
आप मोर रिकमेंडेड ये होता है कि आप दो तीन लेयर्स डाल दें, अगर आप डिफरेंट जो डेटा है उसको आप स्टडी करके यहाँ पे ओवरले करना चाह रहे हैं तो एक ही शीट पे करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डेटा क्लस्टर हो जाता है। तो बेस्ट ये है कि आप दो तीन ओवरले कर दें, उसके लिए पैलियंटोलॉजी के लिए लादा कर दें, ठीक है, स्ट्रक्चर के लिए लादा ओवरले कर दें, ठीक है, शीट्स ही लगानी है ना ऊपर, ठीक है, ताकि वो आपस में जिस टाइम आप ऊपर नीचे रखेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाते हैं, लेकिन ये है कि जिस टाइम आप अलादा करना चाहें तो वो एक दूसरे को जो है उसने आपको डेटा जो है उसको क्लस्टर नहीं किया होता। इस बात की समझ आई? सर ये जरा रिपीट कर लें इस चीज को। सर ये लास्ट में आपने जो बताया ये ओवरलैप वाला, देखें ये जो जितने भी इमेजेस हैं, ठीक है, इन्हें हम यूज करते हैं बेस मैप के तौर पे, ये आपका जियोलॉजिकल मैप नहीं होता, ठीक है, ये हमें चाहिए होता है कि हमने जो एरियल फोटोग्राफ्स लिए हैं उसको हम जाके फील्ड पे जिस टाइम स्टडी कर रहे हैं तो हम आपस में कोरिलेशन कर सकें, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे कोई फीचर मिला है जो मैंने डेस्कटॉप में कहा था कि यार ये वाला जो फीचर है डेस्कटॉप स्टडी में, घर पे जिस टाइम मैंने इमेजेस देख रहा था तो मैंने कहा यार इस एरिए को जाके मैं स्टडी बैक करूँगा, ठीक है, ये जो ग्रीन ग्रीन को, अब ग्रीन बहुत सारे हो गए, ठहरे एक सेकंड में इसको स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला फॉर एग्जांपल कोई फीचर था तो इसको मैं जो है मैंने ऑन रियल ग्राउंड के लिए मैंने हाइपोथेसिस किया था कि यार ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको जाके मैं स्टडी करूंगा। इसको जब आप यूज करते हैं, इन्हें आप यूज कर रहे होते हैं बेस मैप के तौर पे, ठीक है, इसी के ऊपर गन मत कीजिए, ठीक है। बहुत से उसने कहा कि बाज जियोलॉजिस्ट होते हैं वो इसी के ऊपर गन ब्लास्ट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो बाद में जो है वो मिक्सअप हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, और वो इमेज जो है वो आप बाद में रीयूज नहीं कर सकते। एक ही इमेज है आपके पास, उसी के ऊपर अगर आपने जो है ओवरलेइंग कर दी, अगर वो उसमें कोई आपका प्रॉब्लम था, फॉल्ट था, तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकेंगे, ठीक है, या अगर मैट वाला पोर्शन है आपने उसको रिमूव भी कर दिया लेकिन वो जो इमेज है वो रीयूज नहीं हो सकता। तो इमेज को रीयूज मल्टीपल टाइम करने के लिए बेस्ट ये है कि इसके ऊपर आप ट्रेसिंग पेपर लगाएं, ठीक है। तो जितनी आपकी इंफॉर्मेशन जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां पे, सर ये जो हम बेस मैप बना रहे हैं सर, हम इससे ये भी तो सकते हैं ना सर, इमेज को यूज करके सर, मतलब कि बेस मैप, हम इमेज पहले हम इमेज लें उसके बाद उसका बेस मैप बनाएं, सर सच नहीं है कि हम उस इमेज को यूज करके मतलब अपना उससे काम करने के मतलब इतना काम को एक्सटेंड करने के बजाय कि मतलब अपना जो है इमेज वगैरह को यूज करिए, हमारे से जो एग्जिस्टिंग मैप्स हैं उसको हम यूज करके मतलब उस पर काम कर लें, जो आपके एग्जिस्टिंग मैप भी हैं या फिर जो इमेजेस भी हैं दे कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, तो आप उसको बार बार, अब जिस तरह मेरे पास आते हैं हर सेमेस्टर में डिफरेंट स्टूडेंट आता है, ऐसे ही है ना, तो हर स्टूडेंट को मैं वो टोपो शीट दे के तो नहीं भिजवा सकता, और नया स्टूडेंट आएगा उसी एरिया में वो काम कर रहा है तो मैं टोपो शीट कहाँ से लाऊंगा, ठीक है, तो अब मुझे फिर दोबारा परचेज करनी पड़ेगी, अगले सेमेस्टर में नया स्टूडेंट आएगा उसके लिए मुझे फिर दोबारा परचेज करनी पड़ेगी। तो एक आपने परचेज कर ली है, ठीक है, या सैटेलाइट इमेजरी भी है या फिर आपके पास ये जो एरियल फोटोग्राफ्स हैं, दे कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी, तो आप जैसे मल्टीपल टाइम इसे यूज करना चाह रहे हैं तो आप जो इसका जो ओरिजिनल इमेज है उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, आपने जितनी इंफॉर्मेशन लिखनी है आप उसके ऊपर ओवरलेइंग, एक ट्रेसिंग पेपर जो है बाजार से आपको मेरा ख्याल है 10-20 रुपए का मिल जाता है ट्रेसिंग पेपर, उस ट्रेसिंग पेपर को आप इसके ऊपर ओवरले करें और उसके ऊपर जो है अपनी आप रिकॉर्डिंग करते जाएं, क्योंकि आपके बाद अब फील्ड जो होती है वो एक ही वन गो में कंप्लीट नहीं होती, जैसा वो मैंने आपको कोहिस्तान वाला अपने इमेजेस शो किए थे उसके लिए 5 फील्डें लगी हैं, ठीक है, तो जो आप मैप बना रहे हैं आप 5 दफा उसे यूज नहीं कर सकते, आपके हाइपोथेसिस जो आपने फर्स्ट फील्ड में किए हैं वो लाजमी नहीं है सेकंड फील्ड के साथ वो मैच कर रहे हों, क्योंकि जितना आप एरिया इंक्रीज करते जा रहे हैं तो मे भी आपकी स्टोरी भी चेंज होती जाती है, ठीक है। जब मैंने आपको जो पेपर हमने जमा करवाया हुआ है ना
वो बाद में मैं आपको दिखाऊंगा, वो इनिशियल रिजल्ट्स के था, उसमें इनिशियल रिजल्ट में और बाद में जैसे हमने फर्दर कोई तकरीबन 57 हमने स्टेशन मजीद लिए, तो वो जो जोन ऑफ इंटरेस्ट है वो आप देखिएगा वो उसमें कितना डिफरेंस आया है, ठीक है। तो आप बार बार इनको नहीं यूज कर सकते, तो इसलिए बेस्ट रिकमेंडेड यही है कि आप 10-20 रुपए की ट्रेसिंग पेपर लें और उसके ऊपर आप अवर लेकर के उसके ऊपर चेंजेस करते रहें। अब समझ आइए सर, ट्रेसिंग पेपर समझ आ गया तो यार डिजिटाइज कर लें तो वो भी हमारा यूज हो सकता है ना, मतलब इंस्टेड ऑफ मतलब कि हम इस ट्रेसिंग पेपर को लेकर मतलब अगर डिजिटाइज कर लें तो उसमें तो हम ये हो सकते हैं कि अपना डाटा इनपुट भी तो ज्यादा उसमें कर सकते हैं और मतलब लेक्चर को कंप्लीट करते हैं ना, फिर उसके बाद हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर, वो आपकी मर्जी, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप यहाँ पे बैठ के सारे को दोबारा डिजिटाइज करें, सैटेलाइट इमेज को डिजिटाइज कैसे करेंगे आप यार, मैप को आप डिजिटाइज कर सकते हैं, जो कि टोपो शीट है उसे आप डिजिटाइज करेंगे, आपके पास प्रिंटिंग की कैपेसिटी कितनी आती है, A4 की कैपेसिटी होती है आपके पास जो आम प्रिंटर प्रिंट करता है, उसके अलावा फिर अगर आप जाके फिर उसे डिजिटाइज करके आप उसे प्रिंट ले रहे हैं तो उससे अच्छा नहीं है, उतनी स्केल का आप फोटो कापी करवा लें कि नहीं, इतनी मेहनत करके आप उसे डिजिटाइज करेंगे कोरल में लेके जाके, तो उससे अच्छा नहीं है कि आप उसे फोटो कापी करवा लें। बिल्कुल सर सही कह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे हम आप अवर ले करेंगे तो उन अवर लेस के ऊपर भी आपने एक कोड नंबर लिखा हुआ है, ये उसने अवर ले लेबल कोड नंबर है फॉर फ्यूचर के लिए, ठीक है। ये आपने मस्ट उसके ऊपर लिखना होता है कि कौन सी शीट के साथ आपके वो मैच कर रहा है, ठीक है। सेकेंडली आपने यहाँ पे ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको आपने मार्क करना होता है, सेंटर पॉइंट्स, ये उन्होंने मोस्टली जो है इन पॉइंट्स को उन्होंने यहाँ पे मार्क किया होता है, ठीक है। या जैसे क्रॉस पॉइंट्स हैं, सेंट्रल लोकेशन इज ए कोलिमेशन मार्क्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्रॉस लगे होंगे, इन क्रॉसेस के मुताबिक जो है आपने इसका जो सेंटर पॉइंट है इसे मार्क करना होता है, ठीक है। एक तो इसका सेंटर पॉइंट इस फोटोग्राफ का हो गया, फिर आप सेम इमेज का जो इसका सेकंड फोटोग्राफ है जो इसका राइट इमेज है, ठीक है, राइट इमेज पे भी आपने सेंटर पॉइंट मार्क किया, वहां पे सेंटर पॉइंट जिस फीचर के ऊपर आ रहा था उस फीचर को यहाँ पे आपने मार्क करना है, ठीक है। तो ये जो इसका है ये राइट इमेज का सेंटर पॉइंट है, ये इसका लेफ्ट इमेज का सेंटर पॉइंट है, ये इसका अपना सेंटर पॉइंट है, समझ आया। तो ये हर फोटोग्राफ पे आपने ये तीन पॉइंट लाजमी मार्क करने होते हैं, ये समझ नहीं आया तो बताएं। बोले बोले जल्दी बोले यार, अभी लेक्चर बहुत है। मतलब सर ये एक तो उस इमेज का अपना सेंटर पॉइंट हो गया, एक हाँ। जो दोनों साइडों पे उसके आ रही हैं जो इनके साथ वो मोज़ेक कर रहे हैं, हम उनसे इस इमेज को ओवरलैप कर रहे हैं उनके सेंटर पॉइंट ही वो मार्क करेंगे इस इमेज पे। हाँ जी, उसका जो अपना सेंटर, आप हर इमेज का फर्स्ट आप सेंटर पॉइंट उसको आप लोकेट करेंगे, ठीक है। लोकेट कैसे करेंगे, जो आपके पास कोलिमेशन मार्क्स है ना, ये जो प्लस लगे हुए हैं, जो मिडल में आपके पास प्लस लगे हुए हैं, ठीक है, इनको आप ट्रेस करके यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे जहाँ पे डिस्टॉर्शन मिनिमम होती है, जैसे पैरेलेक्स पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह आप दूसरा इमेज जो राइट साइड वाला है उसका आप ट्रेस करेंगे, यहाँ पे जो उसका फीचर था उसको आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ये 60% का ओवरलैप है ना, आपके पास 60% का फॉरवर्ड ओवरलैप है, तो उसको यहाँ पे मार्क करके आप ये इसका सेंटर पॉइंट भी करेंगे, ठीक है। तो ये राइट इमेज का सेंटर पॉइंट आ गया, इसी तरह ये प्रीवियस वाले का लेफ्ट इमेज का सेंटर पॉइंट आ गया, और ये इसका अपना सेंटर पॉइंट आ गया, ठीक है। ठीक हो गया, ये आप इमेज के ऊपर भी मार्क करेंगे और उसके साथ साथ आप जो ओवरलाइंग शीट है उनके ऊपर भी मार्क करेंगे। इसका फायदा ये है कि जिस टाइम आप फील्ड में जाते हैं तो अगर आपकी ओवरलाइंग जो शीट्स हैं वो आपस में मूव आउट कर जाती हैं, ठीक है। तो लेटर ऑन आपने यहाँ पे फीचर मार्क करना था तो आपका यहाँ पे फीचर मार्क हो गया मूविंग की वजह से ना, वो क्योंकि तीन चार लेयर थे वो आपस में, जिस टाइम आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तो चांसेस हैं कि वो आपस में डिस्प्लेस हो जाएं, तो उनको वापस अपने पॉइंट्स पे लेके आने के लिए कि जिस टाइम आप मार्क करेंगे, मार्किंग से पहले आप उसके जो है क्रॉस पॉइंट्स आपने मार्क किए होते हैं इमेज के, ठीक है,
उन सारी शीट्स को आप वापस अपने पोजीशन पे लेके आएंगे, उसके बाद आप मार्किंग करेंगे। ये समझ आइए, ये मस्त चीज है कि आपने उसके ऊपर जो है टैग्स लाजमी लगाने होते हैं ताकि आप वापस जो है उसे रीलोकेट कर सके। ये ना हो कि वो डिस्टार्ट हो गया और आपके पास जो है वापस उसे रीलोकेट करने के लिए एजेस मार्क नहीं हुए हुए, तो वो फिर प्रॉब्लम बनता है, फिर आपको नहीं पता कि आपने फीचर जो है वो सही लगाए थे या डिस्प्लेस करके लगा दिए। अगर आप सैटेलाइट इमेजेस यूज कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम उसमें ये होता है कि उसमें एक आपके पास लेफ्ट इमेज होता है, एक राइट इमेज होता है, ठीक है। तो लेफ्ट इमेज पे मोस्टली उन्होंने जिसको राइट इमेज जो है उसको वो ऑर्थो सर्टिफाइड भी होता है और उसे जियो रेफर्ड भी होता है, ठीक है। जो राइट इमेज होता है इसका, हर लोकेशन के दो इमेजेस हैं ना आपके पास, एक राइट है और एक लेफ्ट है। राइट वाले जो होता है वो आपके पास जियो रेफर्ड होता है। जियो रेफर्ड का मतलब ये है उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के मुताबिक वो कैप्चर किया गया, ठीक है। जो आपके पास लेफ्ट इमेज होता है, लेफ्ट इमेज के ऊपर उन्होंने पैरेलैक्स इफेक्ट को उन्होंने माउंट किया होता है। जिस टाइम आप सैटेलाइट इमेजरी के साथ बात कर रहे होंगे, किसी एरिया का आप पिक्चर लेंगे तो वो आपको दो पिक्चर देगा, एक राइट इमेज होगा और एक लेफ्ट इमेज होगा उसका, ठीक है। तो जिस टाइम आप उन्हें स्टडी कर रहे होंगे उसी तरह आपने लेफ्ट एंड राइट रखना है। इसमें इन्फॉर्मेशन ये है कि जो राइट वाला है उसके ऊपर उसने जियो रेफर्ड किया होता है, मीन टू से उसके ऊपर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसने मार्क किए होते हैं। जो लेफ्ट इमेज होता है उसके ऊपर उसने क्या मार्किंग की होती है, उसमें पैरेलैक्स इफेक्ट उसने मार्क किए होते हैं। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव तरीका है कि बाज जियोलॉजिस्ट जैसे फुरम की तरह के हैं, उनके पास अन्ना पैसा होता है, तो वो जो है वो सीधा सीधा जो है वो इसी इमेज के ऊपर मार्किंग कर रहे होते हैं। तो इमेज के ऊपर मार्किंग अगर आपने करनी है तो या तो फिर उसको क्या करते हैं, उसमें किसी पॉइंट होता है, किसी पॉइंट के ऊपर आप वहाँ पर डेटा लिखना चाह रहे हैं, तो उसका तरीका क्या होता है कि आप उसे पिन के साथ, थंब पिन के साथ यहाँ पर सुराख कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप उसकी वैल्यूज नहीं लिखते 35 डिग्री या उसकी जो भी आपने डेप स्ट्राइक वगैरह या कोई भी इंफॉर्मेशन दी है, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन आपके इसकी बैक साइड पे लिखते हैं, ठीक है। ये तरीका है, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे आपने जिस टाइम मार्किंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप सुराख बना दें, उस सुराख को बैक ऑफ दी फोटो पे आप वहाँ पे पिन जो होल्स है उसके ऊपर आप उन्हें कोड नंबर दे दें। बेहतर ये है कि आप फील्ड नोटबुक के अंदर आपने कोडिंग स्टार्ट की हुई है कि C3343 को ये रेफर हो रहा है, ठीक है। ये क्रॉस रेफरेंसिंग होती है फील्ड नोटबुक के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे आपने कोडिंग लिखा हुआ है तो C343 के ऊपर जिस टाइम आप जाएंगे तो वहाँ स्ट्राइक की वैल्यू भी लिखी हुई है, डिप की वैल्यू भी लिखी हुई है, कोई आपने स्ट्रक्चर वगैरह उधर फाइंड किया हुआ है, कोई फोल्डिंग है, फॉल्टिंग है, जो भी है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आप यहाँ पे बेस मैप के ऊपर नहीं लिख रहे होते। फील्ड नोटबुक आपकी इसीलिए होती है, बेस मैप के ऊपर आप सिंपली वहाँ पे कोड्स लिख रहे होते हैं या आपस में क्रॉस रेफरेंसिंग हो रही होती है इनकी, ठीक है। ठीक हो गया सर जी। तो वही आप ओवरले के ऊपर उसको, जो ओवरलेज हैं आपकी जो ट्रेसिंग पेपर्स हैं उन्हें आपने मार्क करना होता है आपने आइडेंटिफाइंग नंबर्स वगैरह के साथ, ठीक है। तो वही ये हम डिस्कस कर चुके हैं इसको सारे को। तो इसको जिस टाइम आप प्लेस करेंगे, जिस टाइम आप उसे स्टडी कर रहे हैं तो उसे प्लेस करने के लिए पोजीशनिंग यही है कि इसका जो ईस्ट वेस्ट इसका आता है ना, जो आपके पास कॉलोनिक्स पॉइंट है जहाँ पे आपने सेंटर मार्क किया है, तो ये जो टेबल है इस टेबल के ऊपर ये वाला इसका पॉइंट आ रहा है, जो इसकी लाइन आ रही है ईस्ट वेस्ट लाइन इसको कहा जाता है, स्टीरियोस्कोप टेबल ये वाली, इसके ऊपर आपने इसके सेंटर पॉइंट प्लेस करने होते हैं। आपने इसे प्रॉपरली लेवल करके प्लेस करेंगे तो तब ये है आपके पास डिस्टॉर्शन नहीं आएगी, ठीक है। आप जिस टाइम इसे स्टडी कर रहे होंगे, फिर सेकंड डिस्टॉर्शन के लिए ये है कि इसकी जो हाइट है फ्रॉम द टेबल ऑफ दिस लेंस जिससे आप स्टडी कर रहे हैं स्टीरियोस्कोप का, वो भी आप उसको उस ratio 1:3 के मुताबिक रखेंगे, या जो मैप का स्केल है, जो सॉरी उसकी कैप्चरिंग स्केल है उसके अकॉर्डिंगली आप इसे अप या डाउन करेंगे तो वो आपको डिस्टॉर्शन फिर नहीं दिखाई देगी, ठीक है। फोकस करने की बेसिक बात है, ठीक है। फोकस करने के लिए आप इसकी हाइट इंक्रीज या डाउन करेंगे अकॉर्डिंग टू जो रियल इमेज है उसके स्केल के मुताबिक 1:3 के साथ आप करेंगे, ठीक है। फिर जो आपका इमेज है वो उसमें
डिस्टॉर्शन नहीं आ रही होगी। तो वही उसने कहा कि अगर कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी या मिनरलाइजेशन को आप स्टडी कर रहे हो तो मोस्टली जो है वो जियोलॉजिस्ट जो है वो 3 से 4 ओवरलेज रखते हैं, ओवरलेज वही की ट्रेसिंग पेपर्स, और हर ओवरले को वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, किसी को स्ट्रक्चर के लिए, किसी को लिथोलॉजी के लिए, किसी को डिप स्ट्राइक के लिए, ताकि आपस में जैसे आप ऊपर नीचे उन्हें रखेंगे तो वो एक ही पॉइंट पे ओवरले हो रहे होंगे, लेकिन आप उन्हें सेपरेट करेंगे तो वो डेटा जो है वो सेपरेट होगा, वो क्लस्टर नहीं हुआ होगा। तो इन एनी केस जिस टाइम आप जियोलॉजिकल मैप बना रहे हो तो रिकमेंडेड यही है कि बेस मैप के ऊपर आप 2 से 3 ओवरलेज करते हैं उसकी, ठीक है। अगर आप एनलार्जिंग कर रहे हो उसकी तो वो एनलार्जिंग जो है वो आप फोटो के नेगेटिव से करेंगे, ठीक है, उसी की वो आप एनलार्जिंग नहीं कर लेते। इसमें आपके पास बेनिफिट है कि जितना मर्जी है आप उसे एनलार्जिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी एक इमेज को लेके आप वहाँ पे डिटेल सर्वे कर रहे हैं तो आप एक ही इमेज को एनलार्ज कर सकते हैं, फिर उसको जो अगर आप फील्ड में लेके जाना चाहते हैं तो उसको फील्ड में लेके जाने के लिए आप उसे डिफरेंट पॉइंट्स पे उसे कट कर देते हैं, ठीक है। तो जो रिकमेंडेड कट है वो है 60x40 cm के, आप उसको एक इमेज को कट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इमेज ये आपके पास है, इसको आप कट करना चाह रहे हैं तो इसको आप फर्स्ट जो है क्या करेंगे, आप इसे डिफरेंट कोड्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास A1 आ गया, B1 आ गया, C1 आ गया, A2 आ गया, B2 आ गया, C2 आ गया, ठीक है। फिर इसे आप जो है रिकमेंडेड ये है कि किसी कार्डबोर्ड के ऊपर आप इसे पेस्ट कर दें। कार्डबोर्ड जो है वो आपके पास रिकमेंडेडली जो आपका फोटोग्राफ है उससे वो बड़ा होना चाहिए ताकि उसके एजेस जो हैं जो फोटोग्राफ के हैं वो डिस्टॉर्ट ना हो, ठीक है। ये कोड जो है वो आपने वापस इसके ऊपर प्लेस करने होते हैं। फॉर एग्जांपल ये B2 का है, ठीक है। अब इसकी बैक साइड पे आप इसे लिख सकते हैं लेटर के साथ, ताकि वापस आप इन्हें जिस टाइम दोबारा रिप्लेस करना चाहें तो आपके पास कंप्लीट इमेज आप लेना चाहें तो आप इन्हीं कोड्स के मुताबिक इनको वापस रिप्लेस कर सकें, ठीक है। तो वही आप इन्हें लेबल वगैरह कर देते हैं, इसे ग्लू कर दें किसी उसके ऊपर कार्डबोर्ड के ऊपर। अगर आप एक ही इमेज को इंक्रीज करके उसका साइज इनलार्ज करके उसे आप फील्ड में लेके जाना चाह रहे हैं तो उसका फिर रिकमेंडेड तरीका ये है कि एक तो आप नेगेटिव से उसका प्रिंट लें, ठीक है, और सेकंडली फिर उसे आप कोड बनाने के बाद फिर उसे आप इतनी जो डायमेंशन है जो 60x40 cm है उस डायमेंशन पे आप उसे कट करेंगे, ठीक है। ठीक हो गया सर जी। हाँ बस ये आखिर में आ गया इसका कि डेटा ट्रांसफरिंग ऑन द बेस मैप। डेटा ट्रांसफरिंग का यही है कि आप जो है जो जियोलॉजिकल बाउंड्रीज वगैरह है उनको आप जो उसके आपने ओवरले लिखा हुआ है मे डू नॉट रिप्रेजेंट द एक्यूरेट मैप प्रोजेक्शन, ठीक है। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि आपने जो टोपो शीट यूज की हुई है ना उसके साथ मैचअप करके तो उसके ऊपर आप जो है सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। अब प्रॉब्लम ये होता है कि मोस्टली आपके पास ये जियो रेफर्ड नहीं होते, जो एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं वो जियो रेफर्ड नहीं होते। अगर आप सैटेलाइट इमेजरी ले रहे हैं तो उसका राइट हैंड साइड वाला जो है वो जियो रेफर्ड होता है, जो लेफ्ट हैंड इमेज होता है वो आपके पैरेलैक्स उसके ऊपर इम्पोज हुआ होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास जियो रेफर्ड नहीं है तो आप उसको एज इट इज नहीं उसको टोपोग्राफिक शीट के ऊपर लगा सकते क्योंकि उसके ऊपर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए ये फिर होता है कि आप उसके जो फीचर्स होते हैं उनको आप आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें जो है आपस में जो है क्रॉस कोरिलेट करके तो वो फिर आप उनको ओवरलेइंग करते हैं, ठीक है। जिससे आपके पास रिवर्स वगैरह आ गए या फिर ट्रैक वगैरह आ गए, ठीक है, इनको यूज करके। तो जो आपके पास फाइनल जो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के हैं, ठीक है, जो इमेजेस फोटो इमेजेस हैं, ठीक है, ये जियो रेफर्ड नहीं है तो इन्हें फाइनल जिस टाइम आप कर रहे होंगे तो आप वो जो टोपो शीट है उसके ऊपर आप इन ओवरलेज को वापस इम्प्लेस कर रहे होते हैं ना। तो उसके लिए यही है कि आप बेसिकली देख रहे होते हैं जो आइडेंटिफाइंग फीचर्स होते हैं ना उनको आप देख रहे होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली आप उसको दोबारा ट्रेस आउट करने की कोशिश करेंगे टोपो शीट के ऊपर।